तो गाइस अभी जो शुरू होगा जो हमारा टॉपिक वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। तो सारे बच्चे दिल थाम के बैठे हैं, ठीक है? और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एकदम अच्छे से देखो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, बिगिन। सुना गाइस, आज जो एक्चुअली हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो इट इज बेस्ड अपॉन एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड सो ऑन, ठीक है? ओके, तो गाइस आगे जाने से पहले मैं तुम लोगों को सारी चीजें पहले बता देता हूँ। मैं तो मुझे फिर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मतलब आगे जब जाए तो भाई ये फॉर्मूला नहीं पता, ये फॉर्मूला नहीं पता है। मैं तो गाइस सारे फॉर्मूला मैं तुम्हें धीरे धीरे सारे दे दूंगा मैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स भी, वर्ड्स भी आने वाले हैं, ठीक है? जो तुम्हें बहुत आगे यूज होने वाला है। सो सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान से इसको लिखें, ठीक है? चलो, सो लेट्स बिगिन। लेट्स टॉक अबाउट सर्कल फर्स्ट, ठीक है? सर्कल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है? सेकेंड, इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखो गाइस। ओके, सर्कल हो गया। लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स से सिलेंडर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, सिलेंडर के तो वैसे बहुत सारे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है? तो हमें जो बेसिकली लगने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे लिए है, जो काम आएगा हमें आगे, दैट इज, एक तो है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, दैट इज पाई 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है? सेकेंड हमारे पास है वॉल्यूम का फॉर्मूला, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला। इसका टोटल सरफेस एरिया भी है गाइस, बट हमें लगता नहीं इसके अंदर सरफेस एरिया का, हम बेसिकली ये मेन दो लेंगे जो मैंने बताया, ठीक है? ओके, अगर कोन वगैरह आ जाता है, अगर कोन के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कोन का भी हमारे पास है कर्व सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल, एल मतलब तुम्हारे स्लांट हाइट होती है, याद रखना। सेकेंड, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। नेक्स्ट आता है, सबको पता है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी एज व्हाट, स्पीयर। प्लीज सब लोग ध्यान देना गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिसन टू वेरी केयरफुली, लिसन टू वेरी केयरफुली, तो मैं और भी चीज बताने वाला हूँ। अगर इसका सरफेस एरिया की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है 4 πr² स्पीयर का सरफेस एरिया, लेकिन अगर इसका वॉल्यूम बोला है, सबको पता है 4/3 πr³, ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है? नाउ अब क्वेश्चन कैसे आने वाले, क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले, ये तो हमें लगने वाले फॉर्मूलास, ठीक है? क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स आने वाले जो सब लोगों को अच्छे से नोट डाउन करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज क्वेश्चन में ऐसा बोला है दैट हाइट इंक्रीजेस विद द रेट ऑफ, ऐसा कुछ बोला है आपने, तो ऐसा अगर बोला होगा हाइट इंक्रीजेस और डी एच अपॉन डी टी, हाइट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, ऐसा कुछ आता है तुम्हारे पास, दैट इज 3 m/s, ऐसा कुछ आया, मतलब ये डी एच अपॉन डी टी होता है ऐसा। अगर कभी रेडियस बोल दो, अगर रेडियस इंक्रीजेस बाय 2 m/s, अगर ऐसा कुछ आ गया, सो डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2 m/s, ठीक है? याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? तो गाइज ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो तुम लोग को बताई मैंने, आगे भी इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला, सम में कैसे यूज करेंगे सम्स में, वो सारा तुम्हें क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, ठीक है? तो अभी के लिए फिलहाल क्या करना है, फटाफट से इसको कॉपी डाउन कर लो बुक में, फिर तुम्हें अच्छे से 2-3 क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं एग्जैक्टली तुम्हें समझ में किस तरीके से इसमें वर्कआउट करना है। ओके, चलो गाइस,
फास्ट कर लो फटाफट। ओके गाइस चलो, सो लेट्स बिगिन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो मैं गाइस सब लोग को क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखे अच्छे से। सो ये क्वेश्चन नंबर वन पकड़ के चलो। अ स्फेरिकल सोप बबल, अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस, मैं सर लिखते जाऊं गाइस, इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when radius is 5 centimeter. कोई आगे पीछे होगा लिखने के लिए तो मैं एक आध मिनट रुकता हूँ, फटाफट से कॉपी कर लो, ठीक है? फिर मैं सॉल्विंग पार्ट पे जाता हूँ। ठीक है चलो जाते हैं। रेडी? देखो अभी क्वेश्चन की तरफ देखो, ध्यान समझ लो इसको, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. क्या लिखा है यहाँ पे, क्या इंक्रीज हो रहा है? रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज एट द रेट ऑफ, जब भी ऐसा लिखा होगा एरिया इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, फिर रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ऐसा लिखा होगा तो हमेशा मैंने बोला है रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब डी आर अपॉन डी टी एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? फिर आगे बोला है एट वॉट रेट इज द सरफेस एरिया, मतलब उन्होंने बोला कि एट वॉट रेट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, मतलब जब रेडियस तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है तब एरिया कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है, That is what you all have to find. ये question है find करना, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ guys? कुछ confusion है किसी को तो please पूछ सकता है guys. Be free and ask. Anyone? जाए आगे फिर? Okay. Yes sir. Okay. तो यहाँ पे spherical बोला है और यहाँ पे surface area बोला है. Surface area बोला मतलब समझ आना है, area equals to 4 pi r square. ये हमारा formula है. तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी गाइस, क्योंकि देखो ये भी टी और ये भी टी है ना, टाइम के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस इज टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज डी ए अपॉन दिस इज डी टी, 4 पाई साइड में दिस इज डी आर स्क्वायर अपॉन दिस इज डी टी, ठीक है? अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, दिस इज 4 पाई, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा सबको पता है 2r, बराबर, लेकिन बाजू में क्या लिखना है dr upon dt, तुम लोगों को याद होगा तो मैं तुम्हें बताया था कि अगर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे 2y,
लेकिन उसके बाद में कंपल्सरी क्या डालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स डालते, राइट। वैसे ही सेम तुम्हारा आर का टर्म वाई की तरह एक्ट हो रहा है यहाँ पे, ऐसे ये कंसिडर करके चलो, ठीक है। अब क्या है, अब कुछ नहीं, वैल्यूज प्लेस करनी अच्छे से। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 2 4 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 5, आर की वैल्यू कितनी है 5 है, डी आर अपॉन डी टी मतलब कितना है 0.02, ऐसा ही है, ठीक है। अब सुनो, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, 5 2 10 हो जाएगा, मतलब 0.1 होगा, 8 उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.8 pi, एरिया है ना ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो मतलब तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगा, डी अपॉन डी टी 0.8 pi, एरिया से ये स्क्वायर और यहाँ पे पर सेकेंड। आप सबको समझाइए, किसी कुछ कंफ्यूजन प्लीज पूछ लो गाइस, कुछ कंफ्यूजन है किसी को भी, पक्का नहीं है सर, डायरेक्ट 0.8 कैसे डाला, करो ना मल्टीप्लाई 5 2, अरे यार मल्टीप्लाई करो यार, हां समझा समझा समझा, 5 करो कितना आ जाएगा 0.1 आएगा, 0.1 into 8 करो तो कितना आ जाएगा 0.8 आएगा ना, मल्टीप्लाई करना अपने को और कुछ नहीं। हाँ सर समझा। चलो गाइस, कुछ कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो फटाफट, समझा ना ये, ओके ठीक है। नहीं डालनी, पाई की वैल्यू नहीं डालनी है हमें, पाई के ये वाले आंसर्स मैं पाई के नहीं डालने, तो मैं पाई के टर्म में ही रखना है फाइनल आंसर, ये आता है। चलो गाइस लिख लो, ओके गाइस, सो सेकंड क्वेश्चन इज दिस, लिखो मेरे साथ, लिखना शुरू करना गाइस। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग at the rate of two centimeter square per second. Okay. At what rate rate the volume of the balloon is increasing when radius is 6 centimeter, when radius equals to 6 centimeter, रेडियस ऑफ बलून 6 सेंटीमीटर, ऐसा ठीक है। कोई आगे पीछे होगा तो 2 मिनट रुकता हूँ, फटाफट लिख लो। चलो लेट्स पिक इट, रेडी। सुनो, ये स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इंक्रीज क्या हो रहा है, देखो एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये डी ए अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा ये दिया है क्वेश्चन। At what rate the volume of the balloon is increasing? उन्होंने बोला कि क्या रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जब रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो मतलब अगर रेडियस तुम्हारे पास 6 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम निकालना, दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन,
ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, यहां पे चेक करो तुम्हारे पास एरिया, एरिया दिखा यहां पे क्या तुम्हारे पास एरिया दिया है। तो गाइस जो एरिया है हमारे पास, ठीक है, तो वो एरिया सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, ऐसा बराबर, ठीक है। तो उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4 पाई क्या हो जाएगा 2 आर डी आर अपॉन डी टी, ऐसा हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोला है, डी ए अपॉन डी टी मतलब एरिया जो है वो कितना है 2 है, तो यहाँ डाल देता हूँ 2, ये 4 पाई इंटू 2, रेडियस दिया है 6 वो डाल देता हूँ मैं, याद रखोगे जिसकी वैल्यू दी है ना उसका पहले फॉर्मूला अप्लाई करना, तो एरिया दिया है एरिया की वैल्यू दी है तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करने का और उसको डिफरेंशिएट करने का भी, जिसकी वैल्यू दी है उसका फॉर्मूला पहले अप्लाई करो उसको डिफरेंशिएट करो और वो फॉर्मूला में जो मिसिंग है पहले वो ढूंढ लो, ठीक है। अब देखो अब एक काम करो, ये सारा टर्म इधर शिफ्ट कर सकते हो और यू कैन मल्टीप्लाई दिस 4 टू 8 6 8 जा 48, तो यहाँ पे जगह 2 अपॉन 48 पाई इक्वल्स दिस इज डी आर अपॉन डी, देखो इसकी वैल्यू नहीं थी वो निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 24, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे क्या समझ में आता है, डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू है नथिंग बट 1 अपॉन 24 पाई, ओके, ठीक है। अब इसका करेंगे आगे इस्तेमाल, कहाँ यूज करेंगे, वॉल्यूम ढूंढने के लिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 दिस इज पाई आर क्यूब, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डीवी अपॉन डीटी, ये 4 अपॉन 3 ये पाई, ये क्या आ जाएगा 3 आर स्क्वायर डी आर अपॉन डीटी, देखो अब ये 3 होते तो उड़ा दो, यहाँ पे क्या देखा, देखो 4 पाई, ओके रेडियस कितना है 6 है ना, यहाँ डाल दो 6 होल स्क्वायर डी आर अपॉन डी, देखो निकाल चुके हम, दैट इज 1 अपॉन दिस इज 24 पाई, देखो पाई और पाई कट, 4 वन जा 4 4 6 जा 24, अब मेरा क्या बोलना है, 6 का स्क्वायर देखो 36 है इंटू 1 अपॉन 6 से कट कर दो ना, ये यहाँ पे कितना देगा 6 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या बचेगा डी वी अपॉन डी टी 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है गाइस, गॉट इट, चलो गाइस लिख लो अच्छे से बुक में, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लो गाइस, कुछ कंफ्यूजन होगा तो प्लीज पूछ लो, दे कैन आस्क मी, कुछ नहीं समझा होगा तो है, कुछ गाइस पक्का नहीं है, ठीक है चलो लिख लो, गाइस साइड बाय साइड तुम भी कोशिश करते रहो, ठीक है, देखो तुम्हें कैसा आंसर मिलता है, फिर क्रॉस चेक भी करना, हाँ। तो आज का हमारा थर्ड वाला समय है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर increases at the rate at the rate 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area when its radius is 5 centimeters.
सब लोग खुद कोशिश कर सकते हैं गाइस, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, मैं भी सॉल्व करता हूँ, तुम भी थोड़ा ट्राई करो, ठीक है? देखो तुम्हें कैसे मिलता है आंसर्स, अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करना। ओके, क्वेश्चन बोला द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट, अभी इस बार वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या लिखे, देखो डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या रेट ऑफ चेंज सरफेस एरिया, मतलब डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना इक्वल्स टू क्वेश्चन में ऐसा, ठीक है? और क्वेश्चन का ऑफकोर्स रेडियस दिया दैट इज 5 सेंटीमीटर, अभी तो कुछ नहीं, मैंने पहले जिसकी वैल्यू दी है उसका पहले फॉर्मूला यूज करना है और जो मिसिंग है वो निकालना है, सिंपल लॉजिक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, इसको डिफरेंशिएट करना है dv/dt 4/3 π, आर क्यूब का क्या आ जाएगा 3r² dr/dt, dv/dt की वैल्यू है तुम्हारे पास 20, ये 3 और ये 3 कट कर सकते हो 4π, आर स्क्वायर कितना है देखो 5 है ये, तो यहाँ पे जाएगा 5² दिस इज डी आर अपॉन डी टी, ठीक है? चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं, 20 4π, ये 25 हो जाएगा, दिस इज डी आर अपॉन डी टी, 4 and 25 मतलब हो जाता है 100, 20 यहाँ पे 100π, दिस इज डी आर अपॉन डी टी, शिफ्ट करो 20/100π equals to dr/dt, ये कट करो, you can cut even 10 guys, ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5π equals to dr/dt, ऐसा, ठीक है? ओके, अब क्वेश्चन में तो क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा सरफेस एरिया, बस तो डायरेक्ट सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है, a = 4π r², इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे 4π, इधर क्या जाएगा 2r dr/dt, अब क्या है लास्ट में सारे वैल्यूज डाल लें और क्या करना, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, ये 8π, रेडियस कितना है 5, यहाँ पे 5 डालो, dr/dt कितना है 1/5π, 1/5π, ये और ये कट, ये और ये कट, हो गया dA/dt, क्या है हमारे पास 8 cm² per second, बराबर है सर। चलो को फॉर्मेट समझाएगा, इस फॉर्मेट में नहीं, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है किस तरीके से करना है उसको, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है सर, और रेट ऑफ कर देखने का और सॉल्व करो। हाँ बस बस एकदम सिंपल लॉजिक है इसका, जिसको रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ इंक्रीज ऐसा कुछ लिखा होगा ना, समझ जाना कि भाई अगर एरिया तो dr/dt डालो, रेडियस होगा तो dr/dt डालो, वॉल्यूम होगा तो dv/dt डालो, खत्म, और बाद में जिसकी वैल्यू थी उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेने का और जो मिसिंग है उसको यूज कर लेने का आगे के वैल्यूज में। सबको समझाए गाइस, कुछ कंफ्यूजन है किसी को पूछ लो जरा, पक्का? यस ओके, कौन कौन सॉल्व कर रहा है गाइस बताओ जरा।